पिछले कुछ दिनों से लगातार निचले इलाकों में झमाझम बारिश और ऊंची चोटियों में लगातार बर्फबारी हो रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं चमोली जिले की, जिस चमोली जिले में विगत कुछ दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। लगातार बारिश और ऊंची चोटियों में बर्फबारी देखने को मिल रही है। बड़ी बात तो यह है कि सिखों के पवित्र स्थल श्री हेमकुंड साहिब के धाम में लगातार कुछ दिनों से बर्फबारी देखने को मिल रही है। श्री हेमकुंड साहिब की पहाड़ियों से लेकर गुरुद्वारे तक बर्फ की चादर बिछ गई है, जिस कारण धाम में थोड़ी बहुत ठंड का एहसास भी होने लगा है। हालांकि कपाट बंद होने की तिथि नजदीक आ चुकी है और जैसे जैसे कपाट बंद होने की तिथि नजदीक आ रही है, ऐसे में तीर्थयात्रियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है। आपको बता दें कि इस वर्ष भी हेमकुंड साहिब जी के कपाट 10 अक्टूबर को शीतकालीन हेतु बंद कर दिए जाएंगे, जिसकी तैयारियां आजकल जोरों से की जा रही है। आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से हेमकुंड साहिब से लेकर ऊंची चोटियों तक पूरी तरह से बर्फ की चादर बिछी हुई है और इस वक्त देश के कोने कोने से पहुंचे हुए हजारों तीर्थयात्री भी मौजूद दिखाई दे रहे हैं। आलम यह है कि इस वर्ष श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा करने के लिए लाखों की तादाद में देश और विदेश से तीर्थयात्री माथा टेकने के लिए श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए भारी संख्या में पहुंचे। आया ना, काली दिक्कत है।